तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं विनोद मौर्या ब्लॉग्स। तो आज चलेंगे दोस्तों क्या गवावा तोड़ने। अरे गवावा को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे अरे अरे, कौन से प्लेनेट से आए हो आप लोग? कोई छींकता हूं तो आप भाग जाते हो। अरे वो गवावा को क्या कहते हैं हिंदी में? अमरूद। तो तोड़ने चलेंगे गाइस और खाएंगे, तो चलिए लेट्स गो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं पेड़ के पास गवावा के लिए। अरे हैं पापा जी, अस तोड़ेंगे गवावा। हाहा गवावा। पापा जी पेड़ अमरूद। हाँ हाँ ही क्यों था ना, और भी लगे हैं उधर, ढेर सारे पक्के पक्के लगे हैं। ऊपर की तरफ देखो पापा जी। चलो बस करो। ये अमरूद पीले 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 पीले, ये देखो पापा जी ढेर सारे अमरूद। हाँ अरे हिंद अमरूद है। फाइनली दोस्तों थोड़े बहुत अच्छे अमरूद मिले, बाकी तो ये कीड़े वाले अमरूद मिलते हैं। दिखने में तो काफी अच्छा अमरूद लग रहा, मगर 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 अरे बाप रे बाप, कीड़े ढेर सारे। ये है अमरूद, बाकी ऊपर साइड लगे हैं, ऊपर साइड ये देखो। हवा बहुत चल रही है। पापा जी लिया है डंडा, डंडे से तोड़ रहे हैं। इस मौसम में अमरूद में कीड़े पड़ जाते हैं, बाकी एनी टाइम अमरूद अच्छे निकलते हैं। और फाइनली हम इतने अमरूद गेन किए हैं, इतने अमरूद। तो गाइस अमरूद तो आ गया है और मैंने स्नान भी कर लिया है, थोड़ा सा कहा फ्रेश हो जाते हैं तरोताजगी में। तो फाइनली अमरूद ये देख ही सकते हैं, इतने अमरूद मिले हैं। तो अमरूद तो खाएंगे बाद में, पहले दिखाता हूँ आपको मधुमक्खी का छत्ता। जब मधुमक्खियाँ उड़ जाती है, एक बड़ा सा छत्ता रहता है, बिग बिग बहुत बड़ा सा। तो दिखने में कैसा लगता है, नज़दीक से कैसा लगता है, रेड रहता है व्हाइट रहता है, कितने बड़े बड़े होल्स होते हैं, कैसा होता है, फाइनली दिखाता हूँ। तो गाइस देखिएगा मेरे बैक कैमरे के साथ है हम मधुमक्खी की छत्ते की ओर। टिंग 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 टिंग। फाइनली हम इसके अंदर चलेंगे।
और दिखाएंगे मधुमक्खी का छत्ता कहाँ पर लगा हुआ है, तो इसके अंदर चलेंगे। उरीबो उरीबा, आप सोच रहे होंगे कहाँ है मधुमक्खी का छत्ता, इसको भी खोलेंगे। टिडिंग टिडिंग टिक टिडिंग टिडिंग टिक टिडिंग, अरे ये नहीं, टिक 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 टिक, इसको खोलेंगे। हाँ, टिंग 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 टिंग, ये मधुमक्खी का छत्ता। तो दिखाएंगे गाइस आपको करीब से। तो फाइनली हम चढ़ेंगे इसके ऊपर, यहाँ पर चढ़ेंगे, फिर ये छत्ता दिखाई पड़े। तो गाइस देख सकते हैं ये है मधुमक्खी का छत्ता, इतना बड़ा है। ओ बाप रे बाप, एकदम छत्ते के हम लोग करीब आ गए हैं। और आप एक एक होल्स देख सकते हैं, ये होल्स है। मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता बहुत ही बड़ा है, तो काफी हाइट में था। मधुमक्खी का छत्ता देख लिया है और यहाँ से नेचुरल ब्यूटी का नज़ारा देख सकते हैं, नैसर्गिक वातावरण। ये हमारा पार्क जहाँ टहलते हैं, और ये है फील्ड पूरा। तो फाइनली हम लोग वापस चलते हैं। आगे हम लोग वापस। हाँ मम्मी जी, मधुमक्खी का छत्ता खाली हो गया। मम्मी जी अमरूद खाऊंगा मैं, अमरूद। तो फाइनली गाइस आ गया है ग्वावा, किसम बड़ी बहरीमी के साथ खाएंगे। और आज के इसमें कीड़े भी होते हैं, देख लीजिए आप, परमाणु बम के साथ। भाई परमाणु बम नहीं, परमाण। हो अमेजिंग, वैसे तो कीड़े नहीं हैं तो हम इसे खा सकते हैं। काफी अच्छा है। बहुत गर्मी है, नहाने के बाद देखो कैसा हालत होता है। बेनिफिट ऑफ अमरूद, अमरूद खाने से हम अच्छे रहते हैं, हमारा पेट फिट रहता है। अगर आपका पेट में गैस है तो इसको कच्चा पका के आग में डाल के भून के खा लो, काफी फायदेमंद देता है और बहुत अच्छा है। हमको फ्रूट्स खाना चाहिए, इससे हमें फाइबर प्राप्त होता है। क्या होता है? फाइबर प्राप्त होता है।
देसी सेम का बीज है उसको उबाल के बनाते हैं घुघरी, जैसे चना और गेहूं का घुघरी चबाते हैं, भुजवा के हाथ से चबेला चबाते हैं, उसी प्रकार इसका घुघरी बनाते हैं, उबाल के छौका लगा के बढ़िया लहसुन उसमें डाल के फर्स्ट क्लास घुघरी। इसको खाने से बहुत अच्छा स्वाद है और ताकत भी बहुत होता है। मम्मी जी आप लोग देख रहे हैं ये है घुघरी, घुघरी काहे का बना है, ये सेम है, सेम का बीज को बढ़िया निकाल के, और आप लोग ये देख रहे हैं, अरे ये नहीं सोचना कि मैं इसमें खाऊंगा, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्टी बना हुआ है, तो आप लोग को दिखा रहा हूँ, और काफ़ी टेस्टी बनता है, काफ़ी अच्छा रहता है, मूँगफली के दाने के जैसे टेस्ट भी आते हैं, तो इसे कहते हैं घुघरी, क्या बोलते हैं घुघरी। देखने वालों के राल भी टपकता होगा, बोल देखने वालों के राल भी टपकते होगी, लेकिन हम भी खिलाएंगे भाई, किस दिन आप खिलाएंगे, देखने में तो मजा आता ही होगा। तो गाइस पापा जी कह रहे हैं देखने में तो मजा आता ही होगा, देख के आप लोग पेट नहीं भर सकते हैं, सिर्फ लाल टपकेगी। चलिए मैं मजाक कर रहा हूँ ताकि आप लोग मुस्कुराएं। क्या है मम्मी जी, क्या है? अरे भाई घुघरी। गाइस तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ सब्सक्राइब बटन के साथ इतनी लड़ाई लड़ो कि सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, नहीं तो देख लो खैर नहीं है। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ, करना ना करना आपकी मर्जी।